जो कहा गया है कि भाग देना अंकों के जोर से, तो एक्स प्लस वाई से भाग देंगे संख्या में। और इसी के लिए, इस सवाल को बनाने के लिए एक सूत्र का भी आपको जरूरत पड़ेगा, जो होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल जोर शेषफल। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से सूत्र होता है। सबसे पहले ये सूत्र जरूरी है, जिसको नहीं याद होगा नहीं बनेगा सवाल। भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल, भाजक गुने भाग फल जोर शेषफल, जोर शेषफल। इस पुस्तक में लिखा है, इस प्रश्न में लिखा है शेषफल के जगह पर ही क्या लिखा है, भाग शेष, दोनों एक ही बात। तो भाग फल या भाग शेष एक ही चीज होता है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल जोर शेषफल, इसी सूत्र का प्रयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं इस सवाल को सॉल्व करने में। इसलिए आपको भी ये सूत्र अगर पता रहेगा तो आसानी से बना पाएगा, अदरवाइज बहुत ही दिक्कत होगी बनाने में। इसलिए इसको याद रख लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल जोर शेषफल, याद कर लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुने भाग फल जोर शेषफल, और शेषफल को भाग शेष भी कहा जाता है। तो दो अंकों की संख्या, आखिर में दो अंकों की संख्या क्या होता है, तो दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होता है। 10 से पहले अगर आवेंगे आप तो ये 9 हो जाएगा, जो सिंगल डिजिट हो जाएगा, और 100 के आगे बढ़िएगा तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी 99 के आगे बढ़िएगा, 99 के आगे बढ़िएगा तो ये 100 हो जाएगा, जो तीन अंक में हो जाएगा, ट्रिपल डिजिट लगाए, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये तीन अंक में जाएगा। जबकि प्रश्न में क्या कहा गया है, मात्र दो अंकों की संख्या। तो दो अंकों की संख्या कौन कौन हो सकता है, तो 10 या 10 से बड़ा, 99 या 99 छोटा, कोई भी इसके बीच और इस तक, 10 से लेकर 99 तक के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है दो अंकों की। लेकिन दो, सभी संख्या में दो अंक ही होंगे, जिसमें एक इकाई अंक होगा और एक दहाई अंक होगा। जिस तरह से ये मान लीजिए 76 है, तो 76 है, 76 है, इसमें इकाई अंक 6 हो गया, दहाई अंक 7 हो गया। इसका अगर विस्तारित रूप लिखने की बात होगी तो देखिएगा, दहाई अंक में 10 से गुना करिएगा और इकाई अंक में 6 से गुना किएगा, तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया। इसी प्रकार से और भी कोई संख्या होते हैं तो उसका विस्तारित रूप लिखने के लिए, है ना, तो ये लिख देते हैं, ये 284 हुआ, ये दो अंक के हो गया, ये तीन अंक के हो गया। तो इकाई अंक में, इकाई अंक में एक से गुना करते हैं, दहाई अंक में 10 से गुना करते हैं, और सैकड़ा के अंक में 100 से गुना करते हैं। इस तरह से ये तीन अंकों की संख्या का विस्तारित रूप हो गया। और आप देखिए कि किस में, कौन से अंक में कितना से गुना करते हैं, तो इकाई अंक में एक से गुना करते हैं, याद करना, इकाई अंक में एक से गुना करते हैं, और दहाई अंक में सदैव 10 से गुना करते हैं। और आपको इस चैप्टर में दो अंक तक ही बात करना है, हमने भले आपको तीन अंक भी बता दिया लेकिन आपको दो अंक तक, इकाई में एक से गुना करना है, दहाई में 10 से गुना करें। जैसे ही गुना करिएगा फिर उसको वापस, जैसे देखिएगा अगर इसको हम वापस लाना चाहें इस संख्या को या इस संख्या को भी, तो ये 10 70 70 प्लस 6 गुने 1 तो 6, और वापस क्या आ जाएगा, ये 76। तो इकाई और दहाई अंक यदि पता होता है तो संख्या आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, इकाई में एक से गुना करके और दहाई में 10 से गुना करके। तो यहाँ दो अंकों की संख्या की बात की गई है, तो सबसे पहले हम लोग दो अंकों की संख्या को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए, इस क्वेश्चन को अगर हल करते हैं आप तो क्या करना होगा, देखिएगा इसका हल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखना होगा, सबसे पहले यहाँ इकाई और दहाई नहीं पता, संख्या नहीं पता है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, संख्या कहाँ से पता करेंगे, तो इकाई और दहाई अंक मालूम चल जाएगा, उससे निश्चित तौर पे हमें संख्या की जानकारी हो जाएगी, वो संख्या आखिर में है कौन, ठीक है। तो माना कि इकाई अंक, इकाई अंक बराबर वाई मान लेते हैं, अब एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। दहाई अंक यानी कि दहाई अंक, दो अंकों की जो संख्या होता है कोई भी, तो उसमें इकाई अंक होगा और दहाई अंक होगा, तो इकाई अंक हमने वाई मान लिया, दहाई अंक एक्स मान लिया, तो इकाई और दहाई अंक पता चल गया। इसके बाद ये संख्या कौन है, कैसे प्रकाशित करेंगे, तो देखिए, तो दो अंकों की संख्या, दो अंकों
इस प्रकार बनी दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगा। तो अभी कहा गया है, अभी सिखाए आपको कि इकाई में एक से गुना करते हैं और दहाई में दस से गुना करते हैं। तो आपका ये एक हो गया दहाई अंक, तो दस से गुना कर दीजिए, और इकाई अंक वाई है तो उसमें वन से गुना कर दीजिए। इस प्रकार दस एक्स प्लस वाई, यही आपका दस एक्स प्लस वाई एक संख्या हो गया दो अंकों का। कितने अंकों का? दो अंकों का, जिसमें इकाई अंक एक्स वाई है और दहाई अंक एक्स है। इसी के संबंध में कहा गया, जब भी दो अंकों की संख्या की बात होगी, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो सब समस्या चैप्टर आते हैं 2C, उसमें पूरे में इसी प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे। ये खाली दो अंकों वाला ही नहीं, और भी भिन्न आएंगे, एज वाला आ जाएंगे। तो जब दो अंकों की बात होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि दो अंकों की संख्या बराबर दस एक्स प्लस वाई, जिसमें इकाई अंक आपका वाई होगा और दहाई अंक एक्स होगा, तभी इसी के रिस्पेक्ट में ये दस वाई प्लस एक्स हो सकता है। तो आइए देखिएगा, अभी ये संख्या तो हो गया दस एक्स प्लस वाई, इसमें क्या कहा गया है? अब प्रश्न में क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिए। प्रश्न के पहले भाग में क्या लिखा है कि उनके अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए। तो संख्या हमारा दस एक्स प्लस वाई हो गया, यही हो गया भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो 10x प्लस वाई हमारा भाज्य हो गया और भाजक हो गया x प्लस वाई, चूँकि अंकों के जोड़ से भाग देना है और अंक हमारा है इकाई अंक y, दहाई अंक x है। इस प्रकार अंकों का जोड़ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और जिससे भाग देते हैं वही भाजक कहलाता है। तो x प्लस वाई ये भाजक हो गया। अब जब x प्लस वाई से इस संख्या में भाग देते हैं 10x प्लस वाई में, तो प्रश्न में लिखा है कि भागफल 7 होता और शेष फल यानी कि भाग शेष 3 होता है। ठीक है, भाग शेष 3 होता है। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई और ये आवेगा 7x प्लस 7y प्लस 3। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जरा सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई हमारा संख्या है, याद रखिएगा। ठीक है, 10x प्लस वाई ये हम लोगों ने संख्या मान लिया, इकाई अंक x और दहाई अंक वाई, सॉरी इकाई अंक वाई है और दहाई अंक x हम लोगों ने माना, तब जाके संख्या 10x प्लस वाई हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, ये 7x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, सॉरी 3x, और ये 7x प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस 6y और इक्वल टू में 3 है 3। इस दोनों में देख रहे हैं कि दो कॉमन, तीन कॉमन है तो तीन कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y और तीन कॉमन जाएगा कट जाएगा तो एक हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण 1। इस प्रकार से समीकरण 1 हम लोगों ने प्राप्त कर लिया और संख्या ही पता है 10x प्लस वाई, यही संख्या है और अंक इसका इकाई अंक एक वाई है और दहाई अंक एक्स है। ठीक है, प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है जरा ध्यान से देखिएगा। प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है तो लिखना होगा पुनः प्रश्न से। दूसरे भाग में क्या गया, यदि अंकों को पलट दिया जाए, यदि अंकों को उलट दिया जाए या पलट दिया जाए एक ही चीज़ होता है, उलट दिया जाए या पलट दिया जाए, बदल जाए या परिवर्तित कर दिया जाए, ठीक है, तो एक ही चीज़ होता है। तो उलट देंगे तो संख्या तो हमारा ये है 10x प्लस वाई, उलटने के बाद हुआ अंक बदल जाएगा। ठीक है, अंक बदल जाएगा तो संख्या ही बदल जाएगी। यहाँ 10x प्लस वाई था, अब 10y प्लस एक्स हो जाएगा, इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दिए। इस प्रकार से हमारा संख्या जो नया है वह 10y प्लस एक्स है, लेकिन इसमें भी तो इकाई और दहाई अंक एक्स वाई है, उसी से भाग देना है, वही अंक है तो भाग देना है अंकों के जोर से। तो 10y प्लस x में भाग देंगे x प्लस वाई से, तब कहता है कि शेषफल और भागफल क्या, उसे देख लीजिए। तो कहता है भागफल 3 हो जाता है, तो आप 3 से यहाँ गुना करेंगे और भाग शेष कितना हो जाता है? 7 हो जाता है, तो भाग शेष 7 रख देंगे। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं आप तो 10y प्लस x बराबर ये 3x प्लस 3y प्लस 7, अगर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x और ये इधर आएगा
तो प्लस 7y बराबर 7 होगा, समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 और 2 हमको प्राप्त हो गया, समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करने के, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गया दो गो, इसको हल करने के 5 विधियां हैं। आप पांचों विधि में से कोई भी विधि से बना सकते हैं। अभी आपको हम बताते हैं लुप्तीकरण विधि से, जिसको काट नियम भी कहा जाता है। उसके लिए क्या करना होता है कि दो जो पद होते हैं x और y का दोनों समीकरण में, तो दोनों समीकरण में से या तो x वाले पद को मान को बराबर करना होता है या तो y वाले पद के मान को बराबर करना रहता है। उसके लिए करते क्या है, या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये x है समीकरण एक में और यहाँ -2x है, और इसमें देख रहे हैं -2 और यहाँ +7 है। तो अगर y को बराबर करते तो समीकरण 1 और 2 में दोनों से गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 7 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा दोनों में। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, तो समीकरण 1 में केवल हम गुणा कर देते हैं -2 से, तो यहाँ -2 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 × -2, 1 × -2, जैसे गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, -2 से गुना करेंगे, -2 से ये हो जाएगा -2x और -+4y बराबर -2 × 1, तो -2, ये हो जाएगा समीकरण 3। ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 और 2 से यहाँ पर हम लोग इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। समीकरण 3 और 2 को जब हल करेंगे तो 3, 2 से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 कितना था यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, x समीकरण क्या था, x − 2y = 1, ये समीकरण 1 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब समीकरण 3 और 2 से हम लोग को काम करना है। देखिए समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 क्या है, यही है 2 समीकरण, -2x + 7y = 7, ठीक है। और समीकरण 3 जो हम लोगों ने अभी प्राप्त किया है वह है -2x + 4y = -2, ये समीकरण 2 है, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए क्या होगा, जिस पद को समीकरण में, जिस पद को यानी कि x या y वाले को अगर बराबर करते हैं, तो यहाँ पर देखना होगा, तो हमने यहाँ x को बराबर किया, मान बराबर है, चिन्ह समान है, तो समान चिन्ह रहने के समय लिखना पड़ेगा घटाने पर। लिखने से ये होता है कि नीचे वाले समीकरण के सभी चिन्ह, सभी पद के चिन्ह बदल जाते हैं, तो यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, समान मान और चिन्ह विपरीत होने से वह कट के 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3y, 7 में से 4 चला जाएगा 3y, और ये 7 × 2 = 9, तो 3 से 3 ये कैंसिल, तो y का वैल्यू यहाँ आ जाएगा कितना, 3 आ गया। y का वैल्यू कितना आ गया, 3, जो y हमने माना था संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक प्राप्त हो गया। अब दहाई अंक प्राप्त करने की बारी है, तो क्या दहाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर लिखेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। वैसे आप समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए तो समीकरण 1 में रखते हैं किसका मान, y का वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 हम लोग को मालूम था क्या, तो x, इसी के आगे लिखते हैं, देखिए x का मान x − 2y और y के जगह पर 3 है बराबर 1 है, तो x − 3 × 1 कितना, 3 × 2 ये क्या होगा, 3 × 2 = 6 = 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 उधर चला जाएगा, तो 6 × 1 = 7, x बराबर क्या आ गया, 7। देखिए इकाई अंक भी पता हो गया और दहाई अंक भी मालूम हो गया, इकाई और दहाई अंक दोनों पता हो गया।
अब क्या करेंगे, जो संख्या हम लोग ने माना था शुरू में उस संख्या में इस मान को रख देते हैं। तो देखिएगा संख्या क्या हम लोग माने थे, यही जो यहाँ 10x + y लिखा हुआ है यही ना संख्या है। देखिए अतः अब लिखेंगे अतः दो अंकों की संख्या क्या था, पहले से हम लोग माने हुए थे कि 10x + y। अब x का वैल्यू हमें कितना मालूम हो गया, 7, 10 पहले से है और y का वैल्यू कितना मालूम है, 3। तो दिस इज 10 + 70 + 3 = 73। यही आपका दो अंकों की संख्या हो गया। इस प्रकार से आप बारी बारी से सभी सवाल को बना सकते हैं दो अंकों की संख्या में। तो ये बेहतर है, ज़रूरी है आपको कि याद रहे कॉन्सेप्ट। सबसे पहला इसमें जो ज़रूरी है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, है ना। ये अगर नहीं याद रहता है तो इस सवाल को बनाने में आपको परेशानी हो सकता है। बहुत ही बेहतर सवाल है, ये चैप्टर नंबर 2C का अलजेब्रा का है, जो क्वेश्चन नंबर 8 का पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया है। इसी प्रकार के और भी आपको हम सवाल बना के बताएंगे और समझाएंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में साथियों में